दर्द को सुनाते हैं फरमान फरमान मोहब्बत का प्यासा है बहुत प्यासा इंसान मोहब्बत का हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का खुदाओं ने जाए तो कहाँ जाए भगवान मोहब्बत का हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत प्यासा इंसान मोहब्बत का हर दिल को सुनाते हैं सरकार मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। हाँ हाँ कहो, क्या बात है, कोई शिकायत? जी जी, सुबह जब मैं पेंटिंग कर रही थी तो बंदगी अर्ज करता हूँ। जीते रहो मेरे बच्चे। आओ बैठो। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? कल ही तो एमन दीदी ने तुम्हारा जर्नी से भेजा हुआ तार हमें पढ़कर सुनाया था। एमन? एमन कौन? यही जो बैठी हैं। हाँ बेटे, जब तुम इंग्लैंड चले गए थे तब हमें बहुत तन्हाई महसूस होने लगी। तब हमने अखबार में जनरल असिस्टेंट के लिए इश्तेहार निकलवाया। जनरल असिस्टेंट? लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम तार के साथ ही कैसे पहुंचे। सरकार, तार तो बेशक मैंने जर्मनी से आपकी सालगिरह पर भेजा था, लेकिन काम जल्दी खत्म हो गया और मैं जल्दी लौट आया। लेकिन चार दिन पहले तुम हैदराबाद में थे, उस वक्त तो तुम वहां नहीं पहुंचे थे। मैं हैदराबाद पहुंच चुका था, लेकिन जब शाम को मेरी फ्लाइट पहुंची तो वो लेट थी, और तमकीन चचा जान ने इतने इसरार से शादी में शिरकत की दावत दी थी कि मैं एयरपोर्ट से सीधा शादी में चला गया। हमें खबर ही नहीं, कमाल है। आपको खबर कैसे होती सरकार? मैं इतना थक गया था कि चचा जान को अपनी हाजिरी की इत्तला देकर मर्दाना बरामदे में पिलर से लगकर खड़ा हो गया। हो सकता है कुछ लोग जानते हो कि मैं वहां था, और आपको खबर होती भी तो कैसे होती? आपने भी तो खैर से पारा तबीयत पाई है। जब मैं रात को शादी से लौटा तो आप सो चुकी थी, और जब जागा तो आप जा चुकी थी। हाँ, हम सवेरे 5 बजे की गाड़ी से एमन बीबी को लेकर निकल गए थे। हमें फैक्ट्री के मजदूरों की हड़ताल और नीलाम की फिक्र थी। आप किसी बात पे दम पकड़ करते हैं सरकार, अब आप हल्का ना हो, मैं आ गया। लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंचे आजम नवाब? कल रात को बस में, धारवाड़ से मैंने बस पकड़ ली थी। तो बस से आए हो? तो क्या हुआ, थोड़े अंजर पंजर ढीले हो गए, लेकिन रात को आराम से सोकर कस लिए, और रात को आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, सोचा सुबह बंदगी कर लूंगा। हाय अमन बीबी, तुम कुछ कहना चाहती थी? जी नहीं सरकार। हाँ याद आया, मैं कुछ रिसाले लाई थी आपकी दिलचस्पी के लिए। ऐसा लगता है आपको दूसरों की दिलचस्पी का बहुत ख्याल है। सरकार को मुझसे कोई शिकायत नहीं है। और आपको? क्या आपको यहाँ किसी से शिकायत है? सरकार मैं इजाजत चाहूंगी। अब नाश्ता कर लो। जर्मनी में नई मशीनों का इंतजाम हुआ? जी सर, ऑर्डर दे दिया है और मेरा ख्याल जल्दी पहुंच जाएगा।
शमशाद, वो कहाँ है, क्या नाम उसका? कौन? वो सरकार ने जो लड़की रखी है, एमन भी? हाँ, उसको मेरे ऑफिस में भेजो। जी हाँ। छोटे सरकार आपको बुला रहे हैं। मैं वो सब कुछ दोहराने को तैयार हूं, लेकिन याद रहे इस बार ये तजुर्बा बहुत महंगा पड़ेगा। जी, मुझे ऑफिस का रास्ता मालूम नहीं था तो ये these are called lucky। मैंने आपको चिड़िया देखने के लिए तो नहीं बुलाया, ऑफिस तशरीफ ले आई। फाइलें भेजी है, लाइए। जी, वो शमशाद ने कहा था कि क्या कह रही थी शमशाद? और वैसे भी शमशाद ने जो कुछ भी कहा उससे मेरा क्या ताल्लुक? जी जी, उसने कहा आपने मुझे बुलाया था। आपको कोई इतराज है? क्या हवेली की जनरल असिस्टेंट को किसी काम से बुलाना मेरे इख्तियार में नहीं है? जी, ये मेरा मतलब तो नहीं था। फिर क्या मतलब था आपका? आप समझ रही हैं कि आपको अच्छी खासी तनख्वाह पे इसलिए रखा गया है कि आपकी जिंदगी एक लंबी बेफिक्र पिकनिक हो जाए, जहां आप आराम से तस्वीरें बनाएं या चिड़ियों के खुश रंग पर गिने? खैर, यह सब बाद में देखा जाएगा, पहले आप डिक्टेशन लीजिए। तशरीफ रखिए। एड्रेस इट टू दिस पार्टी in reference to your letter dated so and so etc. we know that you have drawn a parallel between the Ilichpur teak and the one grown in Dandeli. We also grow some teak in and around a small town in Uttar Pradesh, Saharanpur.
किस बदनसीब के ऑफिस में काम करती थी आप इससे पहले? जी कोई बकायदा दफ्तर में तो नहीं, मैं यहाँ जनरल असिस्टेंट की पोस्ट पर आई हूँ। कितनी सादा बात, मतलब आपकी जिम्मेदारियों में पेंटिंग, चिड़ियों से बातचीत और बन समर के शादी में जाना, यही ना? बड़ी सरकार तो ऐसा नहीं सोचती, दिन और रात के 24 घंटों में चंद घंटों पर तो वो मेरा हक मानती है। ठीक है खा, सरकार का दिया हुआ हक कौन छीन सकता है, लेकिन आज से आपकी जिम्मेदारियों में कुछ तब्दीली की इजाजत चाहूंगा, अगर आपको एतराज ना हो तो। मैं तो यहाँ काम करने आई हूँ और मुझे तो काम ही करना है, पर मेरा नाम ख्वाब नहीं है। सरकार से अर्ज कर दीजिएगा कि आज लंच पर मुझे चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के यहाँ जाना है, मेरा इंतजार न करें, जाइए। जी। सब लोग खाब, और हाँ कल टिम्बर की नीलामी है, इस मौके पर सरकार हर साल कुछ कपड़े तकसीम करती हैं, आपको उनकी मदद करना होगी, और ये खत दोबारा टाइप कीजिए।